everyone, welcome back to my new vlog after a long time. तो गाइज बहुत दिन बाद मेरे घर कुछ गेस्ट आए हैं मेरे बहुत स्पेशल स्पेशल बोला स्पेशल वाले आप लोग बहुत मिस कर रहे थे सीरियसली मैं भी बहुत मिस कर रही थी और हमेशा मैं जाती थी इस बार पता नहीं सीरियसली ये सच्ची भी उन्होंने सरप्राइज दिया ये देखो कौन आया अंशु पुनीत ये आई है मेरी बहन और ये मेरे लिए ये भी लेकर आई है अपने लाया तो रही और मतलब गाइस इतने दिनों बाद पता नहीं चल खाना बना दे ओ गाइस अपने बच्चे का मेकअप कर रही थी ओ नहीं यार मिक्स कर दी मोटे दिमाग ने धोरी थी सॉरी खा गई तो गाइस बहुत दिनों बाद आए हैं ये लोग ये भी आप अपने घर से उठा के लेके आए हो की तरह भी लग रहा है सामान देख के वैसे छोड़ छोड़ के दिखा गिरे 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 गाइस मैं प्रेरणा से बात कर रही थी फोन पे पानी देना चाहिए ठंडा किसी बारे में इसने मुझे बोला मैंने कहा बहन गाया इसने मुझे बोला वजीराबाद से गजकपुर के लिए निकली हूँ गजकपुर जगतपुर कह रही है वजीराबाद से गजकपुर जगतपुर के लिए निकली हूँ फिर अभी हम खाना खा रहे थे मैं और नितेश प्रेरणा के पास नितेश के पास कॉल आया मैं बताऊँ नितेश ने सीरियसली क्या बोला बताऊँ बता दू अरे बताने दो एक बार वैसे बता दू चलो गाइस ये थोड़ी सीरियस बात है मैं आपसे बात में बात दीदी रोटी हमारे दीदी आपके बाल कितने बड़े हो गए ना बढ़ रहे हैं पर बहुत हल्के हो रहे हैं हल्के ठीक है बाकी गाइस हमने ना सब्जी ऑर्डर कर ली थी तो हम रोटी भी कर रहे थे पर फिर सबने बोला कि घर की रोटी खानी है तो फिर हमने कहा चलो कोई नहीं फिर हम बना लेंगे दीदी मेरे नेल्स देखो बहुत सुंदर है ना बाकी ये इतना साटा गूंदा आपने 15 रोटियों को तो ना, मैं सोच रही हूँ क्या करूँ तो और गूंदो इतना ज्यादा या तुम रोटी नहीं मंगा सकते क्या आपने ही मना करा था मैंने नहीं किया था हाँ, पागल है निशि अबे तुम पता क्या करते 10 रोटी ऑर्डर कर लेते बाकी घर की बन जाती 7-8 इतने से आटे हो किसको मारोगी ये तो पम्मी जी और पुनीत को ही है बस हमारा कहा है फिर अरे सच्ची में या ऑर्डर ही करो अबे हाँ सच में बहुत थोड़ा है चलो फिर ऑर्डर करते हैं तो गाइस 2:30 बजे अब आया खाना और ये लोग खाना खा रहे हैं तो गाइस इन्होंने डिमांड की गुन्नू के लिए स्पेशल दाल मखनी क्योंकि गुन्नू ज्यादा कुछ नहीं खाती गुन्नू की फेवरेट दाल मखनी है और गाइस मैंने फिर भी आटा गूंथ लिया इतना इनके लिए 3 रोटी बनाई फिर भी इसने कहा इस लौंडिया ने कि अब नान बटर नान आ रहे हैं तो मैं अब तेरे रोटी क्यों खाऊं गाइस हम बहुत दिनों बाद ऐसे इकट्ठे हुए हैं बहुत ज्यादा टाइम हो गया अच्छा लग रहा है सब कुछ है ना अच्छा लग रहा है सब कुछ वीडियो बना गाइस ये तो बनाना क्या कर दिया ऐसे कर हाँ आएगा नहीं ऐसे नहीं यार उठ जाना पागल है क्या क्या ये अच्छा अब तो पतली हो गई तो गाइस ये सोने की जगह बनी है क्योंकि आज हम सारे क्योंकि आज अंशु भी आया है आज हम पूरे टीम है इकट्ठी तो हम यहाँ पे सिर्फ नहीं सो सकते यहाँ पे मैं चद्दर बिछाऊंगी हाँ अब एक दौड़ा जाएगा अब ठीक है ये हमने वैसे बना लिया बस गाजियाबाद जैसा मम्मी जी जू आदमी ना नीचे सोते क्या पड़ गए हो ठीक है आदमी नीचे सोते आदमी नहीं बहन आदमी आप तो लड़के हैं नहीं भाई नहीं 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 आदमी तो वो है मैं प्रेरणा और गुन्नू बेड पे सोएंगे कंबल ला रही हूँ वो रहा कंबल आदमी तो ये है यार जी ये कोई बात नहीं होती है बहन जाओ तुम पहले झाड़ू तो मार लो पुनीत मेरे घर में इतनी जगह है तू यहाँ क्यों पड़ा है गाइस आप देख रहे हो इसे मेरे सूटों पे कैसे पड़ा चद्दर बिछा के ओए चल मॉर्निंग गाइस हम उठ चुके हैं आधे लोग सुबह सुबह 10:30 हो रहे हैं और सुबह सुबह मुझे टेंशन दे दी रियो ने गाइस प्रेरणा वॉशरूम में गई एक तो ये निन्नू सा दिखता नहीं है प्रेरणा ने जब प्रेरणा वॉशरूम चली गई प्रेरणा जब वॉशरूम कर भी लिया तब प्रेरणा ने देखा है कि मेरे साथ अंदर ही है और गाइस ये अंदर रियो ने ना क्रॉकरोच खा लिया सुबह सुबह
फिर मुझे टेंशन हो गई। मतलब नितेश बोला बैठ छोड़ दे, तो किसी का रास्ता रोकने के लिए तो नितेश ने। तो गाइज हम लोग बैठे हैं इधर, ये अंशु अपना फोन चला रहा है, गुन्नू भी अपने फोन में घुसी हुई है, पुनीत लेटा है वहाँ पे, प्रेरणा भी अपने फोन में लगी हुई है, प्रेरणा अपना ब्लॉग डाल रही है जाके देख लो। और पम्मी जीजू और नितेश गए हैं रियो को लेकर डॉक्टर के पास, क्योंकि वहाँ जाना जल्दी था, जरूरी था मतलब जरूरी जल्दी जाना था शायद, जरूरी यार मतलब जल्दी जाना था, बहुत इम्पोर्टेंट था। हाँ इम्पोर्टेंट था, ठीक है, जल्दी जरूरी था बहुत ज्यादा। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, नितेश नीचे से आएंगे ब्रेकफास्ट के लिए, ये 50-50 खा दिया ना, तो आएंगे नहीं नीचे से आएंगे 50-50 बिस्किट्स वगैरह नमकीन वगैरह। और फिर हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ ना जाकर घर पे ही मंगा ले, तो नितेश ने कहा कि हम घर पे मंगा लेंगे आराम से बैठ के खाएंगे, क्योंकि वहाँ जाके हमें कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ जाके पता क्या वो वहाँ जाके हमें खड़े होना पड़ता है, आधी आधी सीट मिलती है आधी नहीं मिलती, आधी सीट मिलती है। अरे यार गर्मी पहले है, ठंड में तो मजा आया वहाँ। हाँ यार ये तो है। हेलो पहनी दे दे प्लीज, कल ही नहीं पहनी पायल जाती गाइज, ये हमेशा ओए मत कर गाइज, ये हमेशा मुझे देती है और जब भी कुछ नहीं लेके आते मुझे पसंद आता है फिर मुझे दे देती है। और भगवान कसम ना मेरे वाले व्लॉग में देख लियो, मेरे शूट पे टूट गए थे तो मैंने कल ही खोल के पहने। क्यों टूट, कैसे टूट गई थी? अरे मेरी तो बहुत दिन चल गई, अब के तो 6 महीने पैर रखे ये वाली। और चल एक तू पहन ले, एक मुझे दे दे। एक नहीं फिर दोनों ले, मैं तो पायल की तरह पहनती हूँ। हाँ मुझे तो एक दे दे, पर फिर मेरा सेट भी गाड़ी फिर एक गुन्नू पहन लेगी एक मैं पहन लूंगी। गुन्नू के पैर दिख रहे कितने रीच जैसे, उसके पैरों में आवा ही ना, यू बड़ा साइज सच्ची में उसका पूरा साइज लेके बनता है सच्ची में। गुन्नू मेरे पास भी है, पैर छुपा के साइज लेना पड़ता पैरों का। तो आ चुका है, रियो को पहले वॉमिट कराई है थोड़ी सी, जिसमें उसका थोड़ा सा कॉकरोच निकला भी है, फिर उसको इंजेक्शन भी लगाया और एक और 4 कोर पता नहीं देश क्या बता रहे वो भी इसको दिया है। और ये बैठी गुन्नू मेरे पास और मैंने बनाई है चाय। ये रहा अभी चाय का सामान, और बाकी हमने ऑर्डर कर दिया है राजू के चूर चूर नान, अभी इसको भूख लगी है पर डॉक्टर ने बोला कि 2-3 घंटे बाद ही देना खिलाने के लिए, मेरी बच्ची को 2-3 घंटे बाद ही देंगे हम इसको। फिर गाइस मुझे इसकी बहुत टेंशन रहती है सच्ची में, बहुत ज़्यादा। अभी बच्चा मम्मा का बेटा, कौन खाते हो आप, कहाँ खाते हो, आपको ट्रेनिंग पे छोड़ कर आऊंगी मम्मा, कोई नहीं मम्मा रह लेगी घर तक। रेडी भी हो गई हूँ नहा धो के, ये हमेशा झूठ बोलते हैं, इनको कभी लगता ही नहीं है कि मैं नहाई हूँ। पागल, ये रियो की कसम का क्या मतलब है, जी रहे हो तो खाना गाइस, मैं नहाई हूँ, ये पागल है, ये नहाए है। अब ये जा रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ उनके साथ ही, मुझे साथ लेकर जा रहे हैं, ये हमेशा ऐसे ही कर रहे हैं, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। तेरे गाउन वाले सूट ढकी जा रहा है, कैसे बैठता है तेरे सोन का, नहीं उसे सोन है, ऐसे करेगा ना तो फिर खाने लगेगा। ओए नहीं मैचिंग मैचिंग मैर मैचिंग मैर इसका तो पता ही नहीं है, मतलब आपसे ही पूछेंगे। तो गाइस अगर किसी को इसका मतलब पता रहा तो कमेंट में जरूर बताना। पम्मी गाली दे रहे हैं, नहीं पम्मी जी जो नई नई गालियां बताने कहाँ से सीख के आते हैं। मेरी प्रेरणा और लोग चले गए हैं सारे, और क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है एक्चुअल में, तो मैं रेडी हो गई हूँ। ये मेरा आज का आउटफिट है और ये मुझे रिसीव हुआ है विशी कलेक्शन के पेज से, इंस्टा पे आपको रील्स देखने को मिल जाएंगी, वहीं की आईडी मेंशन होगी, आप देख सकते हो, बाकी रील्स जाके देखना, बहुत प्यारा सूट है। मुझे पर्सनली सच्ची बताऊँ तो अब तक का मेरा फेवरेट सूट है ये, क्योंकि बहुत पसंद आया मुझे, बाकी सूट्स भी बहुत अच्छे आते हैं बट इसका कलर भी अलग है और मुझे बहुत अलग आया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट और मतलब अलग इन द सेंस कि बहुत प्यारा। ऑर्गेन्जा का इसका फैब्रिक है, दुपट्टा है इसका ऑर्गेन्जा का, ये देख सकते हो ऐसी लेस है पूरे, यहाँ पे भी पूरा दुपट्टा बहुत भरा हुआ है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखा दो देती बट मैं आप इंस्टा पे जाके रील्स पे देखना। ये देखो फ्रॉक वाला सूट है, ये भी इसका पैटर्न है, स्लीव्स भी इसकी ऐसी हैं, नीचे इसकी पैंट पे भी ऐसे ये बॉर्डर है, ये देखो मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा पैटर्न है यार सच्ची में, टचवुड बहुत अच्छा है। और आप लोग भी जाओ उनको फॉलो कर लो, डीएम कर लो, बाकी इंस्टा पे रील्स जाओ लाइक करो, सेम आपको आईडी नहीं पता तो मिठू वर्ल्ड ही है, और फॉलो कर लो वहाँ पे भी मुझे जिसने नहीं किया है। बाकी वो लोग चले गए हैं, मैं भी जाती हूँ काम से, फिर बाद में आपसे बात करूँगी। हम तो गाइज एकदम से सब कुछ चेंज हो गया एक्चुअल में, मैंने एक्चुअली मैं सुबह से बिजी थी, सुबह से हम बातें कर रहे थे, कभी नाश्ता तो कभी कुछ, तो मैंने अपने फ़ोन का ना नेट ना खोल रखा था ना फ़ोन यूज़ किया, तो मैंने कोई मैसेज भी नहीं देखा था। तो फिर जब प्रेरणा वगैरह चले मतलब निकले ही थे घर से, तो फ़ोन लेकर बैठी थी, तो इतनी देर में मैसेज आ रखा था जहाँ मुझे जाना था कि आज कैंसिल हो गया और कल आते हैं, मतलब कल कर देना। मैंने कहा ठीक है,
तो फिर मैंने प्रेरणा और उनको कॉल किया कि मैंने कहा बहन मेरा तो जो प्लान था कैंसिल हो गया, तुम लोग वापस आ जाओ। फिर वो लोग गए पुन्नू दिव्या दीदी के घर, पुनीत की सिस्टर आपको पता है बड़ी वाली दीदी, तो वो मेरे पीछे ही रहती है, बैग बेगस मॉल के पीछे ही रहती है। तो फिर वो कहते अब तू यहाँ आ जाओ, तो फिर मैं अपने तेषक वहीं जा रहे हैं, फिर वो लोग वहाँ से घर चले जाएंगे, हम लोग यहाँ आ जाएंगे। और गाइस मैं कैसी लग रही हूँ कॉमेंट करके जरूर बताना, ये रहा मेरा प्यारा सा सूट, ये कलर ही बहुत प्यारा लग रहा है यार मुझे अपने ऊपर टच पुट, और सूट तो है ही प्यारा। गाइस हम यहाँ आए हैं, हमारे जो प्लान मेरा कैंसिल हो गया था, फिर इन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया, मैंने कहा चलो आ जाती हूँ, इनका मन नहीं लग रहा था मेरे बिना यार, नहीं मैंने कॉल किया, मैंने कहा तुम लोग वापस आ जाओ, फिर ये दिव्या दीदी के घर आ गए थे, फिर मैंने कहा चलो मैं यहीं आ जाती हूँ, फिर मैं यहीं आ गई, पुनीत तू यहीं आ जा, फिर दीदी ने यहाँ पाव भाजी बनाई थी तो हम यहाँ आ गए। पम्मी जीजू नींद आ रही है पम्मी जीजू को, और गाइस पम्मी जीजू के 100 के होने वाले, तो जल्दी से फॉलो कर लो और इन 100 के करा दो। कितने हो गए? कितने हो गए? 600 कम है, 500 कम है गाइस, तो जल्दी से करा दो। किसे? तुम्हारे घर में बताओ कि सोना का रखते हो चांदी का रखते हो? पैसे, तेरी मम्मी पैसे का छुपा के रखती है, तेरी मम्मी पैसे का छुपा के, पैसे का छुपा के रखती है तेरी मम्मी, जल्दी बता। इसमें चल। अरे पैसे, तेरी मम्मी पैसे का छुपा के रखती है इधर, आ जा दिला आ जा, चल पता है तुझे कहाँ, इसमें है, इसमें हाँ। और पापा के पैसे का है सारे डैडा के, पापा तो वैसे इतने हुए हैं, अबे इसके अंदर सब कुछ है, चलो यार चलो 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 दारू पीते तुम दारू पीते नहीं पीते ना वो। गाइस ये कोई मैम आ गई है मेरी गाड़ी के आगे, नितेश ने गाड़ी ठोक दी और ये मैम को लग गई है थोड़ी सी गाइस एक्टिंग में आ रही है ये अपनी गाड़ी में बैठ गई, हम अब ये अपने घर जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं। पुनीत रुक गया, पुनीत शाम को अपनी दीदी के घर से, अपनी दीदी के घर पे रुक गया पुनीत, दिव्या दीदी के घर पे। हाँ वो कह रहा है मैं शाम को गाड़ी लेके आऊंगा, पता नहीं क्यों। और ये रही मेरी रियो बच्ची भी, कहाँ है ये, सो रहा है लंबा होके पूरा, एसी चला दिया है, और बहुत मजा आया यार, काफी टाइम बाद मिले हैं, बहुत टाइम नहीं थे ना, लास्ट टाइम जब आंटी एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में तभी मिले थे। तो चलो गाइस अब घर चल के बात करेंगे आपसे। मैंगोज दिख गए तो मैंने सोचा मैंगो ले लेती हूँ, और 100 रुपए के 1.5 किलो ये दे रहे, पीछे 2 किलो दे रहे, बट उनके पास थोड़े अच्छे नहीं थे तो मैंने यहाँ ले लिए, बट इन पे भी ऐसे निशान से हैं, बट कोई नहीं ले लेती मुझे शक्ल का क्या करना, अंदर से मीठे होने चाहिए। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं घर, और अब मुझे कपड़े चेंज करने हैं फटाफट अपने, और सफाई करनी है, सफाई कर लेती हूँ क्योंकि मेरी मेड का अब तक कोई ज़्यादा पता नहीं है कितने दिन हो गए हैं, और अब मैं वापस लगाने भी नहीं वाली हूँ उनको सच्ची में, मतलब जितनी अच्छी तरीके से मैंने बिहेव किया, और मतलब पागल बना गई मेरा यार, छोड़ो पर क्या बोलना, नई मेड ढूंढूंगी तो बहुत मुश्किलों से मिलती है यार, ये काम वाली भी इनके नखरे बहुत होते हैं। तो फिलहाल तो मुझे भी बहुत सारा काम करना है, अपनी कुछ प्रमोशंस कंप्लीट करने, कोलैबोरेशंस बहुत सारे हैं, और फिर सफाई करूँगी बस अच्छे से, सोच रही हूँ आज छुट्टी पे हूँ तो कपड़े भी धो लूँ, मशीन लगा लूँ नितेश है ना, लगा लेती हूँ और क्या करूँगी, शाम को खाना तो शाम को ही बनेगा, अभी तो पेट भरा खा भी क्या है, सुबह भी इतना हैवी ब्रेकफास्ट हो गया, अब फिर पाव भाजी वगैरह खाया है, और ऐसे भी। तो चलो गाइस अब मैं सफाई कर लेती हूँ, इस ब्लॉग का करते हैं एंड, यही भी होपफुली आपको पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या हेलो